उस महीने में जब हेरोद के समय गब्रियल ने भगवान की सेविका मरियम के पास जाने का प्रारंभ किया तो उसके पास आकर बोला, सुखी हो तुझे, प्रभु की कृपा तुझ पर है, तू महिमा धर्मी है। उसने उस पर भीख में देखकर उचित कारण से विचलित हुई कि वह उसके बोलने की बात क्या है, तो गब्रियल ने उसके पास कहा, मरियम तू डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू भगवान की कृपा पाई है। तू गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वह बड़ा होकर महान होगा और सबसे ऊंचा नाम बुलवाया जाएगा। वह परमानंद का नाशी होगा और वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। उसको परमेश्वर ने उसके पिता दाऊद की तरह जबाह दिया और वह याकूब के नस्ल का राजा होगा। उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। मरियम ने उसके पास जाने के बाद पूछा, इसका क्या अर्थ है, क्योंकि मैं आदम को नहीं जानती हूं? तब गब्रियल ने उसके पास कहा, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर आएगी और सर्वोच्च परमेश्वर की शक्ति तुझ पर छाई रहेगी, इसलिए जो पुत्र तू जन्म देगी वह पवित्रा कहलाएगा और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और इसके बाद मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की सेविका हूं, तू मेरे साथ जो कुछ चाहेगा वह करें। तब गब्रियल ने उसके पास से चला गया।